नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं पश्चिमी आर्य पंचायत में और पश्चिमी आर्य पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव कुमार सिंह जी। आइए बात करते हैं, जानते हैं, बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे हम। ऐसे हम आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से अपने पंचायत में अपने पंचायत को देख रेख करने में काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने कर्मठता और कुशल व्यवहार से यहाँ की आम जनता के दिलों पर राज करने वाले अपने पंचायत के बहुत ही सुदृढ़ मुखिया के रूप में जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सुंदर तरीके से आपके पंचायत में आपकी चर्चा हुआ करती है। विगत 4 वर्ष होने जा रहे हैं आपके मुखिया काल का। निश्चित तौर से आपका जो काम है काफ़ी सराहनीय है, लोग भी प्रशंसा करते हैं। फिर भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार, चूँकि एक बार हम पहले भी दर्शकों को आपसे रूबरू करा चुके हैं, जानना चाहेंगे कि अभी तक तो लगभग सारे खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव हो गया होगा, कैसा सात निश्चय योजना कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा चल रहा है? सात निश्चय बहुत अच्छा योजना है। दिक्कत है यहाँ केवल थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव चाहिए था जो धरातल पर नहीं है, जिससे काम करने में कठिनाई होता है। जहाँ जेई वगैरह हैं, इस सब का व्यवस्था अभी पंचायत स्तर पर नगण्य है, जिसके चलते कार्य करने में बहुत दिक्कत हो रहा है और समझ नहीं पाते हैं लोग। जिसे वार्ड सदस्य हैं चाहे मुखिया हैं, दोनों संबंध तो ठीक चलता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक लोग टेक्निकल लोग नहीं आते हैं यहाँ, तब तक काम करने में बहुत दिक्कत है। काफ़ी परेशानी के सामना करते हुए विकास की गति को बढ़ाया जा रहा है। कैसा ये नल जल योजना या फिर नली गली योजना, इसमें प्राथमिकता अच्छी योजना कौन है कौन सा? हम तो अपने पंचायत में भी केवल नल जल का ही काम करा रहे हैं, लेकिन सड़क जो पहले से बना हुआ सड़क वगैरह है तो तोड़ना पड़ रहा है, और जो नहीं बना है वहाँ हम चाह रहे हैं कि पहले पाइप का लाइन का काम हो जाए, इससे कि सरकार का राशि का दुरुपयोग ना हो। इसलिए हम लोग पहले काम करा रहे हैं नल जल का। हमारे 13 वार्ड में नल जल का काम चल रहा है और मैंने लग रहा है कि 75% काम, मैंने करीब 75% पूरा हो चुका है, 25% काम रह गया है, जो हम अपने प्रयास ले लगे हुए हैं कि हो जाए। इसके बाद नली गली का काम लगेगा, सरकार का जैसा मार्गदर्शन आएगा उसके हिसाब से काम होगा। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, जन वितरण प्रणाली के द्वारा बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि हमारे साथ परेशानी है, राशन नहीं मिल रहा है, किराशन नहीं मिल रहा है, तो आपकी पंचायत में क्या पोजिशन है? देखिए, PDS का परेशानी तो ऊपर से ही है। हम जहाँ तक हम जानते हैं, PDS में ऐसे तमाम नाम जो उस मैंने बता रहा है कि उसका नाम सूची में है, लेकिन उसका उठाव नहीं हो पा रहा है। अगर PDS दुकानदार से कहा जाता है तो कहते हैं कि नहीं उठता है, वास्तव में नहीं उठता है। ये सब जो गैप हुआ है जिला में, बहुत बड़ा पैमाना पर सूची का अपहरण कर लिया गया है, उसको अपहरण समझिए। जैसे वहाँ से मान लीजिए कि 5 लाख आदमी का नाम है, 20,000 आदमी गायब हो गए हैं। अब उसको सुधार करने के लिए बहुत साजिश के तरीका से लोग लगे हुए हैं, उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं। जब PDS में अनाज उठाइबे नहीं किया तो उसका आधार कार्ड से मतलब ही क्या रह गया। लेकिन चतुराई के साथ इससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सोच रहे हैं कि अपना पाप जो है आराम से किसी तरह धोने का उपाय सोच रहे हैं, और लगे हुए हैं कि उनका आधार कार्ड जोड़ दिया जाए, जिससे कि पता चले कि भी उठाए हैं, जबकि वो लोग एक बार भी राशन नहीं उठाया है। हम जानते हैं, सूची देखे हैं, नेट से भी देखे हैं, उनका नाम जो है सूची में है। अब वास्तव में गरीब आदमी है लेकिन नहीं उठाया है लोग। अब सरकार की व्यवस्था के मार लोग झेल रहा है। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं कि परेशानी हो रही है। कारण क्या है कि हम लोगों के बीच में जो अधिकारी और प्रतिनिधि का गैप जो है काफ़ी बड़ा है। जब तक गैप नज़दीक नहीं होगा, जब तक आपस में संवाद नहीं बनेगा, तब तक जनता का काम धरातल पर सही ढंग से कभी भी नहीं हो सकता है। यही ज़्यादा परेशानी है। सरकार की तमाम योजनाएं चलती है, चलने को तो ठीक चलता है, लेकिन धरातल पर आते आते उसका टाइम जो है आउट हो जाता है। धरातल पर तब आता है
कि जब उसका समय पूरा हो जाता है तब माने लोगों के बीच में पहुंचता है, तब तक कई तरह की कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और लगता है कि कार्य जो है परेशानियों से घिर करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के उसको क्या कहते हैं कि बलि चढ़ जाता है। जब टाइम कम रहेगा और कार्य ज़्यादा करना होगा तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई भी योजना भ्रष्टाचार के रूप धारण कर लेता है। जैसे आप शौचालय ले लीजिए, शौचालय में आज क्या हो रहा है, शौचालय में 100 शौचालय का लिस्ट निकलता है, 100 का पैसा चला जाता है, बनता का 30 को पता चलेगा। जिस दिन शौचालय का जांच होगा समझ लीजिए कि हर गांव में पता चलेगा कि 500 शौचालय बना है, लेकिन धरातल पर देखिएगा तो 200 मिलेगा। कारण क्या है, ऊपर से नीचे तक परेशानी है और पारदर्शिता नहीं है इस क्षेत्र। आपकी पंचायत में शौचालय क्या पोजीशन है? हमारे पंचायत में शौचालय का अभी तो हम लोगों के यहाँ पहला नंबर तो शौचालय का कोई स्पष्ट माने कोई सूची तैयार नहीं है, पता नहीं चल पाता। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ सुनते हैं तो सुनते हैं कि जो बेचारा बना लिया है उसका पैसा नहीं गया, आज जो नहीं बना उसका पैसा चला गया। कहीं ना कहीं सिस्टम का खेल है, परेशानी है, लोग परेशान हैं। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि पंचायत हो चाहे कोई भी निकाय हो, स्पष्ट तरीका से जांच करके और जांच प्रतिवेदन दिया जाए। जो सरकार के किसी कर्मी द्वारा आज तक चाहे मनरेगा का जांच हो, चाहे पंचम का जांच हो, 14वीं का जांच हो, चाहे नलजल का जांच हो, जांच तो लोग करते हैं, लेकिन जांच में क्या आप जांचे और क्या प्रतिवेदन दिए, ये पंचायत को नहीं मिलता है। जो मिलना चाहिए कि लगे कि पंचायत को भी पता चले कि हाँ हमने ऐसा काम अच्छा किया, ये बुरा किया, जो गलत हुआ उसका का उसमें सुधार हो सकता है, माने हम लोग अपने स्तर से उसमें बदलाव लाने का प्रयास करें, यही नहीं हो पा रहा है। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में कहां तक सफलता हासिल हुआ? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना तो बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन जो हालत है शौचालय का वही हालत यहाँ भी है। आज इस ढंग से सूची के लोग तैयार कर दिए और कहें कि ग्राम सभा वही हुआ, जो कहे ना कि समय से पहले लोग नहीं बताते हैं। 27 तारीख अगर 27 तारीख को लंच करना है तो 27 तारीख को व्हाट्सएप चाहे किसी माध्यम से पता चलता है कि आज ग्राम सभा कराइए, तब उसमें क्या होता है कि बढ़िया से लोग तरीका से जांच पड़ताल करके ग्राम सभा में जो सूची तैयार होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए कि टाइमिंग नहीं रहता है। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो अच्छा से उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। तो दिक्कत यही है कि कोई भी योजना सरकार चलाती है, बहुत बढ़िया योजना आवास से तो बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं, कम से कम बरसात में उनके घर के अंदर पानी चला जाता है उससे तो लोग बचे हैं, लेकिन इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है जो नहीं है। इसमें भी जिनकी पक्के की मकान है उनको आवास आवंटित किया जा रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है? बिल्कुल सुनने में आ रहा है, बहुत है, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहाँ कुछ मजबूरियाँ हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। हम लोग प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि के नाते कई तरह के परेशानी से हम लोग घिरे रहते हैं। आवाज़ उठाना भी मुश्किल, अजान आज आवाज़ उठाते भी हैं तो लगता है कि नहीं उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन लगता है कि नहीं उठाना चाहिए। इसलिए कि कई ऐसी घटनाएँ घट चुकी है, आवाज़ उठाने वालों को मुँह बंद हो चुका है, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि कोई कार्य हो उसमें पारदर्शिता आए और पंचायत का जो अधिकार मिलना चाहिए, चाहे हम रहे चाहे अगला कोई भी रहे, लेकिन उनको जो अधिकार पंचायती राज में मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से मिले। आज भी पूर्ण रूप से पंचायती राज का अधिकार नहीं मिला हुआ है, और अपरोक्ष रूप से एक अलग तरह का शासन चलता है जो हम लोग मैंने पिछले 5 साल में भी देखे हैं और 4 साल इधर हो गया, 9 साल में देखें कि अप्रोक्ष रूप से कहीं ना कहीं पंचायत स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। चाहे नल जल हो, आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, PDS हो, बस एक समझिए कि पेपरबाजी है, पेपर में जो दिखता है वो धरातल पर नहीं है। बहुत ही स्पष्ट रूप से इतने सुंदर विचार आपने रखा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि सरकार यदि देख रही है तो आपके हर इन तथ्यों पे यदि आकृष्ट करें आपके तरफ हम ध्यान को आकृष्ट करना चाहेंगे सरकार को कि कितने सुंदर तरीके से आपने बातों को रखा। फिर भी मैं चाहूँगा, चूँकि 9 वर्ष भी आने वाले हैं
तमाम पंचायत के लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? हम अपने सभी पंचायत वासियों से यही चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलता है आप उसका भरपूर उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी तरह का परेशानी है जो मेरे स्तर से पूरा होने लायक है तो मेरे यहाँ आप आइए, उसका निदान कराया जाएगा। लगता है कि हमसे नहीं होने लायक है तो ऊपर जाइए। माने सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका आपको उपयोग करना चाहिए। किसी न किसी रूप में आप अगर सरकार के योजनाओं का उपयोग करते हैं, उसको धरातल पर लाने में कहीं ना कहीं जनता का भी सहयोग होता है। अगर आप अच्छे तरह से कर रहे हैं और चाहेंगे कि आगे जो नया वर्ष आता है उसमें आप बढ़ चढ़ के, हमारे जो भी ग्रामीण भाई हैं, किसी तरह का जाति पाति भेदभाव रूप रंग किसी तरह का जो आपके मन में कोई परेशानी है उस सबको दूर हटाते हुए सरकार की सभी योजनाओं को दिल से धरातल पर लाइए और उसमें जहां मेरा सहयोग का जरूरत है मैं करूंगा और जहां आपकी सहयोग की पब्लिक का सहयोग का जरूरत हो तो आप लेकर के आइए और एक नया पंचायत का निर्माण हो और गांव का विकास हो। गांव का विकास होगा तो जिला का विकास होगा और जिला का होगा तो अपने स्टेट का और स्टेट का होगा तो देश सुदृढ़ होगा और देश तभी सुदृढ़ी की तरफ जाता है कि जबकि गाँव के हर व्यक्ति मैंने सरकार के सभी योजनाओं का भरपूर उपयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। कुमार सिंह जी हैं जो कि पश्चिमी आयर के मुखिया हैं और काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने पंचायत को हैंडल करते हैं और काफ़ी गंभीरता से सरकार के हर एक एक बिंदुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला। शौचालय की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर जन वितरण प्रणाली की बात की जाए, हर तथ्यों पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, आप लोगों ने देखा। और सरकार के सिस्टम में जो भी आते हैं वो सिस्टम कैसे भ्रष्ट होते जा रहा है उस पर इन्होंने उजागर किया। इनका मुख्य रूप से कहना ये है कि कोई भी सिस्टम में परेशानी तब आती है जब वो जल्दीबाजी का रूप पकड़ता है, यानी कि सारा फंड आया हुआ है और लगातार कुछ समय में हम चाहेंगे कि कर ले, वो संभव नहीं हो पाएगा। जब बहुत पहले से हमारी सारी व्यवस्था बनी हुई है तो कम समय में उसको क्यों पूरा करें। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो भी पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनमें और जनप्रतिनिधियों में जो गैपिंग है वो कहीं ना कहीं रूप को बिगाड़ता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं काम को बाधा डालता है, काम बाधित होता है। चाहे वो आवास की बात की जाए, चाहे फिर शौचालय की बात की जाए या फिर जन वितरण प्रणाली की बात की जाए, किसी भी चीज़ में जब तक एक दूसरे से जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों के बीच जब तक आपस में संबंध नहीं रहेगा, बातचीत नहीं होती रहेगी तो परेशानी होनी ही है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में, एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में, एक अच्छे मुखिया होने के नाते इन्होंने अपने सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताया। चाहे वो इस पंचायत की बात हो चाहे जिस पंचायत की बात हो, इन्होंने क्लियर कट बताया है कि धरातल पर काम नहीं होने के चलते शौचालय 200 पास होते हैं और 20-25-50 शौचालय बनते हैं। तो ये सारी परेशानियां सरकार के सिस्टम की समस्याओं के चलते होता है, तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।